हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियोज में। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट ट्रिक सीखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करना क्या होगा कि आपको अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेना होगा। चलिए, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करा और देखिए अभी हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, सबसे बॉटम में आप देखते होंगे इस जगह पे, तो मैं इसे थोड़ा सा सीट को छोटा कर लेता हूँ और आप अभी यहाँ से देख पा रहे होंगे आई होप कि फिर से यहाँ से मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि यही हमारा जो है सीट टैब है, ये हमारा जो है यही है सीट टैब जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जिसपे हमारा स्क्रॉल बार भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से सीट वन, सीट टू और सीट थ्री दिख रहा है। तो इसे कभी कभी अचानक से ये हमारा हाइड हो जाता है तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं लोग, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। मेरे पास ऐसा एक केस आया था कि सर मेरा जो है सीट बार ही नहीं शो कर रहा जिस पे सीट वन सीट टू होता है, तो मैं कैसे अनदर सीट में मूव करूँगा। तो उनके लिए एक वीडियो है कि आप कैसे अपने सीट बार को शो और हाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होता है कि सबसे पहली बात कि यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ से आप मेन्यू में जाएंगे, ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा सीट कट, ये एक्सेल ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला। इस एक्सेल ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही इस एक्सेल ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक नया हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अभी ध्यान से आप लोग इस पर गौर कीजिएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अभी एडवांस वाले यहाँ से हम क्या करते हैं, टैब पर क्लिक कर लेते हैं। एडवांस वाले टैब पर क्लिक करने के बाद में हमें नीचे डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाके चेक करना होगा कि वो ऑप्शंस कहाँ पर अवेलेबल है। कहीं शो सीट टैब करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा डिस्प्ले के अंदर में। और अगर आप ये वीडियो देख करके अपना सॉल्यूशन कर पाए हो और आपको इस वीडियो से लाभ मिला हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहे। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ना, डिस्प्ले, और यहाँ से बुक के लिए दिख रहा है। टोटल बुक पे ये काम करता है, इसलिए हमें सीट से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें टोटल बुक के लिए काम करना है। तो इस बुक वाले पे हम लोग इस सेक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। और आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, सो वर्टिकल स्क्रॉल बार, सो ये ग्रुप डेट्स है ना, उसी प्रकार से सो सीट टैब। अभी सीट टैब में हमारा इस तरह का टिक मार्क लगा है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर देखिए ये वाला सीट टैब जो है शो हो रहा है। सीट टैब के साथ साथ में इस बार पे जो इधर आपको ब्लैंक दिख रहा है ब्लू कलर का, इस पे आपको फॉर्मूला वगैरह शो होते हैं, चाहे वो फॉर्मूला जिस प्रकार का भी हो। जब आप यहाँ से सेल को ऐसे सेलेक्ट करते हैं ड्रैग करके तो वो फॉर्मूला हमारा यहाँ शो होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर यहाँ से सीट है ना, सो सीट टैब, इसे चेक करते हैं। और अभी यहाँ से क्या करते हैं, हमारा जो ओके का बटन है, इस ओके के बटन पर जा करके हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा नीचे जो ये हमारा सीट है, यहाँ से सीट टैब जो था अभी शो नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा ये स्क्रॉल बार हमारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो ये स्क्रॉल बार आपका बिल्कुल जैसे था वैसे दिख रहा है, लेकिन हमारा सीट वाला टैब क्या हो गया, हाइड हो गया है। अब उसे पुनः वापस लाने के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे कि यहाँ से ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, एक्सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एडवांस वाले टैब पर क्लिक करने के बाद डिस्प्ले के अंदर बुक वाले सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ से डिस्प्ले बुक वाले सेक्शन में अभी शो सीट टैब जो हमारा है अनचेक है। अनचेक यानी ये चेकबॉक्स होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्क्वायर टाइप का बॉक्स होगा वो चेकबॉक्स कहलाता है, और जो गोल टाइप का आप देख रहे सर्किल टाइप का, वो जो हमारा है रेडियो बटन कहते हैं हम लोग उसको। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस शो द ये शो सीट टैब्स वाले
चेकबॉक्स को चेक कर देंगे, यानी क्लिक करेंगे सिंपली चेक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा ये सीट वाला टैब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हो रहा है। इसी सीट पर जब आप सेल को सिलेक्ट करेंगे तो फार्मूला वगैरह यहाँ पर हमें दिखते रहते हैं। तो इस तरह से आप अपने सीट टैब को शो और हाइड कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने सेहत का ख्याल जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।